अस्सलामुअलैकुम। मेरी वालदा अक्सर कहा करती थी कि जब भी किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद से चाहे वो 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में फौत हो, वो अपने शौहर के घर में रहती है और शौहर का मरने के बाद भी फरीज़ा उसके पास ही रहता है कि उसकी जायदाद भी उस औरत को मिल जाती है, उसका घर भी उसी के पास होता है, यानी शौहर ही उसकी हर चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। तो अगर अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को आपके ऊपर से ज़िम्मेदारी दे के उसको थोड़ा सा हक भी ज़्यादा दे दिया है तो उसको क्वेश्चन क्यों करना है? क्यों आपने वेस्टर्न मेंटालिटी, अप्रोच, आइडियोलॉजी को फॉलो करना है? हमारी बच्चियां, मेरी बहनों, सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। हमारी बच्चियां कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता वेस्टर्न और ईस्टर्न, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो आपको देखती हैं, आप उनकी रोल मॉडल हैं। अगर आप अपने शौहर से तहजीब से बात करती हैं, अगर आप अपने शौहर को एक इज़्ज़त देती हैं, तो वो बच्ची ये सीखेगी कि कल को मैंने भी यही करना है। हाँ, अगर आप अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं देती और अगर अपने शौहर से बराबरी की दर्जे पर बात करती हैं और अगर उनसे बदतमीज़ी करती हैं, बदकलामी करती हैं, और याद रखिए मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरीके से बनाया है। लोग कहते हैं ना मर्द के पास ज़्यादा हौसला है, ऐसी बात नहीं है, औरत के पास ज़्यादा हौसला है। अल्लाह ताला ने उसका दिल, उसका दिमाग सब कुछ मोम करके बनाया है। तो हम अगर अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र और आसानी और आफियत अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, तो हमारे घर भी खुश रहते हैं, हमारे शौहर भी खुश रहते हैं और हम आसान भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और फिर और एक अच्छा बोनस ये कि हमारी बच्चियाँ भी हमसे इंस्पिरेशन लेके आगे जाती हैं। और फिर जो ब्रदर्स हैं, अपनी बीवियों पे बिला वजह तंग नज़री करना और अपनी बीवियों पे बिला वजह पाबंदियाँ लगाना जो दीन ने आपको अलाउ नहीं किया, या आपने तलाक़ के हक़ को बिल्कुल ग़लत तरीके से अब्यूज़ के तौर पे या एक बुलिंग के तौर पे या एक थ्रेट के तौर पे यूज़ करना, ये बहुत ही नाज़ेबा बात है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ़ फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली से सबसे अच्छा है, और फिर तुम में से बेहतरीन वो है जो जिसका सलूक अपनी बीवी से अच्छा है, और तुम सब में से बेहतरीन मैं हूँ, क्योंकि वो अपनी बीवियों से बहुत अच्छे थे। एक बीवी नहीं, कई बीवियाँ, ठीक है। और एक बात और, ये जो चार शादी की अलाउंस है ना आपको, ये कुरान ने आपको अलाउंस दी है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, लेकिन उसके साथ कंडीशन अटैच हैं, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या अटैच हैं कि आप इंसाफ करें, सबके साथ इक्वल इंसाफ करें। यहाँ पे काफ़ी लोग शादियाँ कर लेते हैं कनाडा में, लेकिन आप याद रखिए कि क्योंकि अगेंस्ट द लॉ है यहाँ पे दूसरी शादी करना, तो आप अपनी बीवियों को प्रॉपर, जो कुरान ने आपको हिदायत की है, प्रॉपर हक नहीं दे सकते। यहाँ पे सिर्फ एक ही बीवी है जो लीगली मैरिड होगी आपसे, और जो दूसरी बीवी है उसके ना बच्चों को हक मिलेगा, ना उसको कोई चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। तो वो एक तरह से सिंगल मॉम की तौर पर गुजारेगी, ना आपका नाम उसे मिलेगा, ना आपके बच्चे को उसका नाम मिलेगा। तो क्या आप इंसाफ करेंगे? याद रखिएगा, और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बॉक्स देके भेजा है। हमारा प्लेन फील्ड है हमारी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भूलेगा अल्लाह ताला को उससे हिसाब लेना पूरी तरह आता है। मुझसे लिखते रहिएगा, और मेरा ईमेल है contact@farinasiddiqui.ca। अस्सलामुअलैकुम।